जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सामान्य जिलों में 15,599 पद खाली, डार्क जोन में 7,522 और फिर भी 20 साल से रोक। आपको बता दें कि ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। ये खबर कि राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में अधिक संख्या में शिक्षक पद रिक्त रहने के कारण छात्र हित में 10 जिलों को डार्क जोन घोषित कर दिया है। वहां अन्य जिलों में तबादलों पर 20 वर्ष पहले रोक लगाई थी, जो आज भी जारी है। जबकि अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय प्रवृत्ति 2018 में सभी जिलों के रिक्त पद भर दिए गए थे, अब इन 10 जिलों में अधिक पद रिक्त होने की समस्या नहीं रही। जिलों के रिक्त पदों के आंकड़े से कमोबेश इसकी पुष्टि होती है। बावजूद इसके डार्क जोन जिलों में कार्यरत शिक्षकों गृह जिले में तबादलों की छूट नहीं मिली है। दिलचस्प है कि कई सामान्य जिलों में तो प्रतिबंध जिलों से अधिक पद रिक्त हैं। प्रतिबंध में से सर्वाधिक बाड़मेर में 2,382 पद रिक्त हैं। ये आप देख सकते हैं, बड़ी खबर है ये। आप कहाँ पर कितनी पोस्ट खाली है ये देखिएगा। ये डार्क जोन जिसे बताया जा रहा है, जहाँ से अध्यापकों का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ये देखिएगा। बाड़मेर में डूंगरपुर, जालौन, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, सिरोही, बारा, बीकानेर और जैसलमेर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में आप देख सकते हैं कितनी पोस्ट कहां पर खाली है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी अध्यापकों से संबंधित, तो ये देख सकते हैं। महामंत्री का कहना है कि अब नई भर्ती राज्य स्तर पर होती है, किसी राज्य में पद रिक्त नहीं रहते हैं। इसकी नई भर्ती से पहले डार्क जोन से सामान्य और विपरीत तबादला चाहने वालों में विकल्प देकर तबादले कर राहत प्रदान की जानी चाहिए, ये कहना है। देखिएगा शिक्षक संघ से संबंधित, ये आप देख सकते हैं, बड़ी खबर है राजस्थान राज्य से संबंधित। तो जॉब और जॉब से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।